वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का विक्रम विच। मैं फिर से शुरुआत करता हूँ एक नई वीडियो की। और आज जैसा कि मैं पहुँच चुका हूँ चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं कैसे आया था पटियाला से चंडीगढ़। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो जा करके देख लें। मैं बाई रोड आया था और अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर सुखना लेक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सुखना लेक जो कि आप देखेंगे चंडीगढ़ में है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। सुखना लेक में आने के लिए अगर आप अपने व्हीकल पे नहीं हैं तो आप चंडीगढ़ सेक्टर 17 के बस अड्डे पे जा सकते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रिक बसेस चलते हैं सुखना लेक के लिए, तो सीधा आप इस लेक पे आ सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ सुखना लेक और इसके बारे में सारा, आप जो है डिटेल जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ पर जा कर के पढ़ लें। तो ये है जी चंडीगढ़ की सुखना लेक, देखिएगा आप। यहाँ पर जो है ये बोटिंग भी होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने जो है ये पहाड़ हैं, और चंडीगढ़ से जो है शिमला पंचकूला वो सभी जो है पास में पड़ते हैं। तो सुखना लेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप ये देख सकते हैं। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं आकर के, लेकिन आज मैं जो है ये बोटिंग नहीं करने वाला, मैं अकेला आया हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन मैं सारा का सारा आपको सुखना लेक के बारे में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा ये। और आपको मैं आगे 360 व्यू में भी दिखा दूंगा सारा का सारा सुखना लेक। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप बच्चों के साथ यहाँ पर राइड भी करा सकते हैं आप, और बच्चों के लिए काफ़ी अम्यूजमेंट है ये। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राइड्स हैं, आप बच्चों को करा सकते हैं यहाँ ला के, तो फन है बच्चों के साथ। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप फन करिएगा इसमें। तो ये सेफ्टी वार्निंग भी दे रखी है कि आप इसमें नहा नहीं सकते, तैर नहीं सकते, गंदगी भी नहीं फेंक सकते, 500 रुपये का आपका जुर्माना लगेगा। सुखना लेक जो है एक बार बनता है आना तो आप ज़रूर आएँ, और चंडीगढ़ शहर की ये शान मानी जाती है। तो 360 व्यू में आप देख लीजिएगा, ये है जी सुखना लेक। म्यूजिक के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ 360। आप चाहो तो यहाँ पर आकर के वॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वॉक में। इन्होंने एक ट्रैक बना रखा है जो कि यहाँ लोकल्स जो रहते हैं वो आते हैं और वॉक ज़रूर करते हैं यहाँ आके, और काफ़ी अच्छा है। और आप देखिएगा पीछे पूरे का पूरा जो व्यू है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी जंगल में आ गए हैं। तो काफ़ी बड़ा है ये, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी सवाल है आप ज़रूर करें। और जो चंडीगढ़ का जो साइन है वो आप देख सकते हैं, ये है नीचे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि मुझे मालूम है, आप मुझे बताएं ये किस चीज़ का साइन है, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे बताएं। चंडीगढ़ का ये साइन है, ये जब चंडीगढ़ शहर बनाया गया था तो ये साइन इसका बनाया गया था। तो आप घंटों घंटों तक बैठ करके यहाँ पर सुकून के सांस ले सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। और ये जो सुखना लेक के साथ साथ यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और फ्लावर्स को आपको मैं अभी म्यूज़िक के साथ दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा। Thank you.
फ्लावर्स वगैरह आपने देख लिए होंगे और काफ़ी खूबसूरत है। मैं एक बार कहूँगा आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। और चंडीगढ़, तो अगर कोई भी दिल्ली से आ रहा है या कहीं और आ रहा है इंडिया से कहीं पे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं, एक बार चंडीगढ़ ज़रूर आएँ। और चंडीगढ़ आकर के कम से कम 2 दिन का स्टे ज़रूर करें, क्योंकि आप यहाँ पर 2 दिन में अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आगे मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए चंडीगढ़ के ऊपर और कौन सी जगह आपने देखनी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट ज़रूर करें। और अभी जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और भैया फैमिली हो आप भी, और फैमिली बन जाओ और सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ, और आप ठीक ठाक रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।